सो हेलो जी, वेलकम बैक टू मनी ऑन द ब्लॉग। एक वापस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो भाई साहब, अभी जस्ट मैं हटिया आया हूँ। हटिया में इसलिए आया हूँ क्योंकि भाई अभी दीपावली का समय चल रहा है और हमारे घर में होता है काली पूजा। तो काली पूजा के हम लोग एक पाठा भी चढ़ाते हैं। अभी पाठा लेने के लिए हम लोग आए हैं भाई हटिया। और भीड़ की बात करें तो भाई काफी ज्यादा भीड़ है। देख पा रहे होंगे भाई साहब, देखो यार, ये मेरे नाना जी और मेरा मामा का बेटा अभी ले रहे हैं यहाँ पर। हम ये पाठा डील हो रहा है। ये पाठा का प्राइस पता है? लगभग मेरे को 15,000 बता रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। चलो ब्लॉग पे बने रहो एंड छोटा सा मैं एक समय वीडियो बना रहा हूँ, मजा आएगा। कितना बता रहे चाचा अभी कम ऑन करके? 13.5 बोल दिया ना। अच्छा 500 कम दी जाए ना, 13 दिए। अच्छा सुन ले, उधर करके सब गरीब आदमी है। सब कितना आखिरी एकदम बता दीजिए, एकदम बोलिए भाई। ये चाचा है ना 13,000 बोल रहा है और मैं अभी 10,000 लेके आया हूँ घर से। तो भाई साहब देखते हैं ये देता है कि नहीं। अंकल देंगे ना? अंकल दे रहे, अंकल दे दीजिए ना अंकल, क्योंकि सारे लोग गरीब है भाई। तो 10,000 में शायद दे देंगे, है ना? दे दीजिए चाचा। आप लोग पाठा लेने आए हैं यहाँ? अच्छा रसीद काटने के लिए? भाई साहब देखो पाठा खरीदा नहीं और रसीद काटने के लिए आ गया भाई। देखते हैं क्या होता है। तो अभी जस्ट वहाँ पे डील हो रहा है, बाकी चाचा देने के लिए राजी नहीं है भाई 10,000 में। देखते हैं, फिलहाल मैं अभी दिखाता हूँ इधर का मार्केट वगैरह। देखो यार काफी ज्यादा भीड़ है इधर। और ये आंटी लोग अभी पत्ता वगैरह बेच रही है यहाँ पे। तो ये पत्ता काफी ज्यादा बिक्री होता है भाई। तो जस्ट हम लोग का वो जो अभी पाठा दिखा रहा था लगभग मेरे को लग रहा 20 किलो होगा। तो 10,000 में से कुछ दिया है। ये कुछ ये रहा भाई, काफी बड़ा है। और ये जस्ट अभी डील हो चुका है, अभी लेके जाने वाले हैं इसको। तो अभी जस्ट उसको चेंज करके, वो पाठा को चेंज करके अभी दूसरा ले रहा है भाई। तो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं भाई, कुछ कटा वगैरह नहीं ना, क्योंकि पूजा में चढ़ेगा ना। 10,230 रुपये। तो अभी जस्ट यहाँ पे हम लोग रसीद कट रहा है 230 रुपया। तो अगर रसीद नहीं कटवाओगे ना भाई तो यहाँ से बाहर नहीं लेके नहीं जा पाएंगे। अभी रसीद कटवाते हैं, उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे अपने घर। चलो देखते हैं। ये भाई साहब काट रहे हैं 200 का, हम लोग रसीद कट चुका है और वो पाठा को चेंज करके ये पाठा भी लेने वाले हैं। तो मतलब हो चुका है 10,500 पड़ा भाई, सही है लगभग होगा। अभी निकलते हैं भाई यहाँ से, काफी भीड़ है। देखो यार काफी ज्यादा भीड़ है। तो अभी जस्ट हम लोग पाठा वगैरह तो ले लिए हैं भाई, और बाइक कहाँ पार्किंग किया हूँ यार भूल गया, आगे में रखा हुआ है उस जगह पे। पता नहीं अब ले कैसे जाएंगे वो पाठा को। अभी लगभग हमको 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा। देखते हैं भाई क्या होता है। अपना पाठा आ चुका है, काफी बड़ा है अपना बाइक। तो चलो स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। जस्ट मैं अभी मामा घर आ गया हूँ और ये जस्ट अभी अपना बाइक से लाया हूँ भाई। काफी ज्यादा तकलीफ हुआ इसको लाने में, कि बहुत ज्यादा छटपटा रहा था। इसको अंदर लेके चलते हैं, चलो भाई। गाइस अभी जस्ट मैं वहाँ पे घर में था और अभी जस्ट इधर मैं टहलने के लिए आया हूँ भाई साहब। इधर का पहाड़ देखो यार, काफी बड़ा पहाड़ है। अभी जस्ट मैं अभी रील शूट करने के लिए आया हूँ भाई। मेरे को इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है। देखो मैं वीडियो अपलोड किया था, काफी ज्यादा मजा आया भाई। एंड टाइम पास नहीं हो रहा क्योंकि आज दिन भर मेरे को यहाँ पर रहना है, के बाद मैं शाम को जाऊंगा वहाँ पे। तो अभी चलो भाई चलते हैं। तो पता है ये रोड में अक्सर मैं आता जाता हूँ, लेकिन भाई यहाँ का लोकेशन का बात करें तो काफी भयानक लोकेशन है। सीन काफी भयानक है भाई, देख रहे हो आप। तो अभी जस्ट मैं एक जगह गया हूँ भाई। ये लोकेशन देखो काफी प्यारा लोकेशन है, ये पूरा सारे तरफ जंगल है। अगर आप लोग आते हो भाई फोटो शूट करवाने के लिए हमको, एक बार जरूर मैसेज कर देना कि करण भाई हमको उस जगह का लोकेशन बताओ, मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा भाई। गजब यार गजब है। तो अभी जस्ट एक दो रील शूट करता हूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर की ओर। बड़ा मजा आएगा, बने रहना ब्लॉग।